हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने से हमें ये ज्ञात होता है कि आदि काल में जो जातियां प्रमुख थी वो इस प्रकार है: देव, दैत्य, दानव, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, किन्नर, नाग आदि। पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैत्य, दानव, राक्षस और असुर। क्या अंतर था इनमें और इनमें से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे खतरनाक होता था, और आखिर कैसे इनकी उत्पत्ति हुई थी, और कौन थे इन सबके माता और पिता, ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं ज्ञान की बात। सबसे पहले बात करते हैं दैत्य की। इनकी उत्पत्ति ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दिधि से हुई थी। विभिन्न पुराणों के अनुसार दिधि के दो पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे, और इनसे ही दैत्य जाति का शुरुआत हुई थी। हिरण्यकश्यप तो इतना शक्तिशाली था कि प्राचीन काल में एक समय में तीनों लोकों का स्वामी बन गया था। हिरण्याक्ष का वारह अवतार हिरण्यकश्यप का नरसिंह अवतार ने वध किया था। दोनों ने भगवान विष्णु के अवतारों के हाथों ही मारे गए थे। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए और विरोचन के पुत्र दैत्य राज बलि हुए थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल में सुतल लोक में बसाया था। इंद्र और आदि देवताओं से कई अधिक लक्ष्मी इनके पास थी। इस समय सुतल लोक में दैत्य राज बलि का आधिपत्य है और ये सब भी सुतल लोक में ही विराजमान है। कलयुग के अंत तक उसी लोक में विराजमान रहेंगे और आने वाले समांतर में वह भगवान विष्णु के कृपा से इंद्र बनेंगे। दैत्य राज के पाताल चले जाने के बाद दैत्यों के राजा बलि के पुत्र बारासुर हुए, जिनका महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के अवतार से युद्ध हुआ था। अब बात करते हैं दानव की। इनकी उत्पत्ति महर्षि कश्यप और दक्ष की पुत्री धनु से हुई थी। धनु के ही वंशज दानव कहे जाते हैं। ये दैत्य और आदिदैत्यों के छोटे भाई थे। धनु के 34 पुत्रों में विपरीक्षित सबसे बड़ा था और पहली पीढ़ी की दानवों में विपरीक्षित ही प्रमुख था। ये आकार में बड़े ही विशाल होते थे और अपनी बर्बरता के लिए भी विख्यात थे। महान शिल्पकार में एक दानव ही था। इनकी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था और महाभारत काल में मैंने युधिष्ठिर के नगरी का निर्माण किया था। इनके अतिरिक्त वित्रासुर, नमुची, प्रतापी आदि जैसे और भी कई शक्तिशाली दानव हुए। महाभारत काल में कालकेय दानव से अर्जुन का युद्ध हुआ था। अब बात करते हैं राक्षस की। ये दैत्य दानव से बिल्कुल ही अलग होते थे। रामायण के अनुसार जल की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने कुछ जीवों की उत्पत्ति की थी जो राक्षस और यक्ष कहलाए। सर्वप्रथम राक्षसों में हेथी और प्रहेथी नामक के दो भाई उत्पन्न हुए, जिनमें प्रहेथी तपस्वी था और हेथी ने भय से शादी की थी, जिनसे उन्हें विद्युत केश नाम के पुत्र पैदा हुआ। विद्युत केश का पुत्र सुकेशु हुआ और कालांतर में इस वेश में मल्यवान, माली और सुमाली नाम के तीन प्रतापी भाई हुए, जिनका देवता से संघर्ष हुआ था। देवताओं से हुए युद्ध में पराजित होने के बाद इन्हें लंका छोड़नी पड़ी। सुमाली ने अपनी पुत्री के केसी का विवाह कुलसत्य ऋषि के पुत्र ऋषवरी से किया था। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और उनकी बहन शूर्पणखा केसी और विष्णुवा के ही संतान थे। आगे चलकर रावण राक्षसों का राजा बना और उसने लंका पुनः प्राप्त कर ली थी। अब बात करते हैं असुर की। दैत्य, दानव तथा राक्षसों की तरह असुर किसी जाति का नाम नहीं था। हमारे ग्रंथों में कई स्थानों में असुर कहकर भी संबोधित किया गया है। असुर कोई अलग जाति नहीं थे, बल्कि उन सभी जातियों के लिए एक प्रतीकात्मक शक्ति रूप है जो सुर अर्थात देवता नहीं थे। विष्णु पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय दैत्य को ही असुर कहा गया था, क्योंकि उन्होंने वारुणी द्वारा परोसी जा रही मदिरा को स्वीकार कर दिया था और देवों ने उसे स्वीकार किया, इसलिए वे असुर कहलाए। असुर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में बहुत से स्थानों पर आता है। देव तथा असुर थे, दोनों शब्द पहले देवताओं के अर्थ में प्रयोग होते थे। असुर एक प्रतीकात्मक शब्द है जो सुर नहीं थे, वो असुर थे। दैत्य, दानव और राक्षस तीनों ही अलग अलग जातियाँ थी। हम में से अधिकतर लोग इन सभी को एक समान ही समझ लेते हैं, और इसका कारण ये भी था कि इन तीनों जातियों का हमारे इतिहास में कई बार देवों से युद्ध हुआ था, जिस कारण इन्हें लोग धर्म विरोधी मानने लगे और इन सब की एक ही नकारात्मक छवि बन गई थी। यहाँ तक कि हमारे ग्रंथों में दुष्ट स्वाभाविक तले
लोगों को भी राक्षसिक असुर कहा गया है और यहाँ तक कि सर्वोच्च त्रिदेव को भी इन सबको चुनौती देने की कार्य थी। ये सब खुद को सर्वश्रेष्ठ सबसे शक्तिशाली समझ रहे थे, इस कारण इन सबको इन सब नामों से जाने जाने लगा। दोस्तों ये जानकारी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।